27 जून 2022 को दलोदा थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई, जिसमें कि देसी पिस्तल हटाकर जो व्यापारी थे उनसे उनके दुकान चलने में से पैसे लूट लिए। उससे क्योंकि सनसनीखेज वारदात थी तो उसमें एक टीम गठित की गई थी, विभिन्न थाना क्षेत्रों के उसमें अधिकारियों को सम्मिलित किया गया, क्योंकि ऐसा प्रतीत होना था कि उसमें जिन जिन थाना क्षेत्र में उनका मूवमेंट रहा है उन सभी थाना प्रभारियों को भी उसमें डाला गया। गत रात सूचना मिली थी कि जो हमारे चिन्हित सस्पेक्ट है बेसिकली उनके यहाँ गरोड़ से गरोड़ तरफ होने की सूचना है, उसी मुखबिर सूचना पर आगे काम करते हुए यहाँ पर कोतवाली थाना प्रभारी उनकी टीम और गरोड़ थाना प्रभारी उनकी टीम सर्चिंग कर रही थी। उसी दौरान जो हमारा मेन सस्पेक्ट था वो एकदम आकस्मिक रूप से सामने आ गए थे कोतवाली के, उन्होंने बहादुरी पूर्वक अपने गिरफ्त में ले भी लिया था, परंतु उसमें इस दौरान शोर मचाने से उसके जो अन्य साथी थे जो वहाँ मौजूद थे अंधेरे में आए और उसमें से एक ने टीआई कोतवाली अमित सोनी के चाकू मार दिए, परंतु उस और चाकू मार दिए और अंधेरे का फायदा लेके सब लोग वहाँ से भाग गए। अभी सचिन पार्टी लगी हुई और उम्मीद करते जल्द से उनको अपनी हिरासत में लिया। अभी तक इस केस से संबंधित करीब 7-8 लोगों जिन्होंने संरक्षण वगैरह दिया उन सबको हिरासत में लिया, बाकी गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास है। सर बताया जा रहा है सभी राजस्थान के हैं, जो हमारे लूट के जो आरोपी हमने चिन्हित किए थे वो दोनों, जिसमें एक का नाम छोटा मेवाती और सरफराज और दूसरे का नाम सोहान खान, ये दोनों मल्ला तलाई उदयपुर के रहने वाले, जिनकी तलाश की जा रही है।